Hey everyone, welcome back to my channel. Today is a special day because we are celebrating our little one's birthday. She is 5 today and I'm keeping things really simple and cozy indoors. Keep the view of the hottest weather we are facing these days. और आजकल मैं अपने दिन की शुरुआत एप्पल साइडर विनेगर ड्रिंक से करती हूँ. सिर्फ 2 टीस्पून को ही डाइल्यूट करना है 1 ग्लास ऑफ वाटर में और इसको खाली पेट लेना होता है. और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है एंड इफ़ एनीवन वांट्स टू लूज वेट इट विल बी अ ग्रेट एडिशन टू योर वेट लॉस जर्नी. और क्योंकि मुझे मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो बिल्कुल क्विक एंड इजी चाहिए होता है, मैं फर्मेंटेशन में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ. ये देखो मैं मूंग दाल डोसा बना रही हूँ और आप बिलीव नहीं करोगे इसमें कोई आटा नहीं, कोई मैदा नहीं है. मैंने रात को ही मूंग दाल जो है ना ग्रीन मूंग उसको गीला करके रख दिया था. अब सुबह उठी मैंने उसमें थोड़ा सा जिंजर डाला, थोड़ी चिलीज डाली और बस उसको प्योरे कर लिया और उसमें डाला थोड़ा सा नमक और कोई फ्लेवरिंग मैंने इसमें नहीं डाली है बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप थिंग्स सिंपल. तो ये देखो कितना अच्छा डोसा बन रहा है, कितना हेल्दी है गाइस, इसमें बिल्कुल ग्लूटेन ही नहीं है. एंड ये मैं अपने पेरेंट्स को भी देती हूँ और मेरी बेटी भी बहुत खुश होकर खाती है. और हमारे जो मॉर्निंग रूटीन में परांठे होते थे ना, अब वो तो कटआउट ही हो गए हैं. और अभी कर रही हूँ मैं लंच की तैयारी. लंच में मैं बना रही हूँ पूरी, चने और हलवा, जो कि यूजुअली मैं अमायरा के बर्थडे पे बनाती हूँ. मॉर्निंग में यूजुअली मैं टाइम कंज्यूमिंग वर्क बिल्कुल भी नहीं पकड़ती हूँ बिकॉज मॉर्निंग में बहुत हसल होता है, बहुत काम होता है. तो मैं सबसे पहले वो सारे काम कंप्लीट करती हूँ एंड देन कोई भी ऐसी रेसिपी मुझे ट्राई भी करनी होती है ना जो टाइम कंज्यूमिंग होती है, वो मैं लंच या डिनर में ट्राई करती हूँ. और ये मैं गूंथ रही हूँ पूरी का आटा, और पूरी का आटा मैंने गूंद के रख दिया था. और अभी मैं बना रही हूँ चने. चने बनाने का जो मेरा तरीका है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. मैं डायरेक्टली तेल में खड़े मसाले जो है वो डाल दूँगी, फिर उसके बाद चने डालूँगी और वो पंजाबी में कहते हैं ना राड़ लगाना, अच्छे से उसको राड़ लगाऊँगी. और मुझे किसी तरह की भी फ्लेवरिंग इसमें डालनी होती है ना, मैं उसको कटोरी में मिक्स करती हूँ और डायरेक्टली इसमें थ्रो कर देती हूँ. और फिर मैं इसको ढक के रख दूँगी एंड 10 मिनट्स में इट विल बी रेडी. चनों को बनाने का ये भी एक तरीका है जो कंसीडर किया जा सकता है एंड ट्रस्ट मी यू वॉन्ट रिग्रेट इट. जब तक मेरे चने बन रहे थे तब तक मैं बना रही हूँ सूजी. और ये देखो मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ उसे एंड थोड़ी सी चीनी इसमें डाली और जो भी फ्लेवरिंग थी वो मैंने पहले ही डाल दी है एंड सी हाउ इट टर्न्ड इट आउट. इतना यमी था, बचा ही नहीं, बिल्कुल सबने खा लिया. और ये मैंने चने बनाए हैं, यू हैव गॉट टू गिव दिस वन अ ट्राई. क्या बोलते थे पूरी बनाते थे, पूरी जब डालनी है फटाफट उसको ऐसे ही लाना होता था कि जोर से उसको टक नहीं बनता. मैम जब वो कराते थे होम साइंस में, होम साइंस में फिर वो खाते थे ना प्लेट से जाके सारी खा जाते थे. देखना होता था लड़कियों को ना कि वो कैसे करती हैं, मतलब खाना भी बनाओ कहते थे कि सफाई भी होनी चाहिए साथ में. अच्छा ठीक है, साफ सफाई भी होनी चाहिए, यानी कि ऐसे गंद डाल के ले आए आप लोगों ने पूरी प्रैक्टिस कराते थे वो. हाँ फिर हम निर्माल से ऐसे ढक के ना थाली में परोस के जाना, सारी खा जाती थी. सारी कुड़ियां लगती सन अपने में, जेड़ी थाली में अच्छी लगती सी फिर उसे नंबर देनी सी ज्यादा. आपको मिले कितने? मेरा सारा काम ठीक होता सी, मेरे पास गप्पे ही होती सी. ओके ये तो शुरू तो आता है आजकल भी होम फेयर में ये कराते हैं क्या? हाँ
Now I'm switching things up a bit and spending some quality mother-daughter time in the kitchen. Before I sign off, I want to thank each one of you for joining me today. Your ongoing support keeps me motivated to create more awesome content. And I just want to say, keep chasing your dreams, stay true to yourself, and create a life you want to live. Thanks again for watching, and I'll see you in the next vlog. Bye-bye.